नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी खबर 24 और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। ये नजर डालते हैं इस वक्त की खबर पर। डिवाइन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर आशीष उपाध्याय ने मेडल उपहार देकर सभी बच्चों को बधाई दी। डिवाइन पब्लिक स्कूल में विभिन्न प्रकार की आयोजित की गई प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रबंधक आशीष उपाध्याय के हाथों मेडल देकर सम्मानित किया गया। बच्चे मेडल को प्राप्त करके काफी उत्साहित हुए। डिवाइन पब्लिक स्कूल में हर वर्ष इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति व अन्य प्रतियोगिताओं के प्रति उत्साह बना रहे। डिवाइन पब्लिक स्कूल अपने पढ़ाई के साथ साथ इस प्रकार की एक्टिविटी के लिए शहर में जाना जाता है। जो प्रतियोगिता आयोजित की गई उनके नाम से इस प्रकार हैं: राइटिंग कंपटीशन, एसे कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, रीडिंग कंपटीशन आदि प्रतियोगिता मौजूद थी। मेडल प्राप्त करने वाली छात्र छात्राओं के नाम रितिशा उपाध्याय, विभा, उमा सिंह, अंशिका सिंह, साक्षी जोशी, शिफा बानो, विराट कुमार, शिखा सैनी, राजलक्ष्मी, तानिया सिंह, आफिका खुशबू, दीपक शुक्ला, सृष्टि पाठक, वीएस पटेल, विवान सैनी, सुधा सिंह, अनन्या गौतम, रितेश कुमार, अंशुमन चौरसिया, प्रवीण शुक्ला, राजपाल पांडे, निधि पाल तथा सभी कक्षा अध्यापक मौजूद थे। प्राइड रिपोर्ट जो हुआ है उसमें क्या योगदान था? बच्चे पूरे सत्र विभिन्न प्रकार के कंपटीशन का आयोजन किया जाता है, जिन कंपटीशनों में हिंदी कंपटीशन, इंग्लिश हैंड राइटिंग कंपटीशन, रीडिंग कंपटीशन, एसे कंपटीशन, अन्य विभिन्न प्रकार की जैसे रंगोली कंपटीशन, इस प्रकार कंपटीशन का आयोजन कराया गया। और कंपटीशन कराने के बाद सत्र के अंत में बच्चों को स्कूल के द्वारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले बच्चों को मेडल दिया जाता है, जिससे कि बच्चों में उत्साह बना रहे। वैसे ये हमारा कार्यक्रम जो है प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले एनुअल फंक्शन में दिया जाता है, लेकिन इस साल कुछ क्लास की व्यस्तता के कारण, बच्चों का एग्जाम जल्दी आ जाने के कारण उस प्रकार की आयोजन नहीं कराया गया। लेकिन बच्चे इस मेडल से जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हुए हैं उनसे वंचित न रहें, इसलिए आज एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन करा करके बच्चों के प्राइज और उनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को दे दिया गया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।